हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली से रिलेटेड। जैसे कि अभी हम डीप क्लीनिंग करेंगे, तो डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि लंबे समय तक चले और आपको बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी वॉर्ड्रोप को, अलमीरा को बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, जिससे कभी भी आपको कोई भी कपड़ा ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं किन्हीं फॉलो करती हूँ जिससे कि लंबे समय तक इन चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो इसके साथ साथ जब भी आप कपड़े वॉश करते हैं तो किस तरह से आप इन चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हैं, वो भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरह से मैं अपने अलमीरा में कपड़ों को अरेंज करके रख। तो सबसे पहला स्टेप कि अलमीरा के सारे कपड़ों को निकाल लीजिए, फिर कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। कुर्ते एक तरफ या टी शर्ट और लोअर जो है वो एक साइड रख लीजिए, और जितने भी आपके सूट हैं, प्रॉपर सूट है विद दुपट्टा है होते हैं ना, वो वाले एक तरफ, साड़ीज़ एक तरफ। तो इसी तरह से करके सारी चीज़ों को सेग्रीगेट आपने कर लेना है, अलग अलग करके सारी चीज़ों को रख ले। इसी दौरान जो कपड़े आपको नहीं आते, लूज़ हैं, टाइट हैं, उनको भी साइड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि वो ठीक हो सकते हैं या नहीं, या फिर अगर किसी को देने हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो इसी टाइम पे आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को करना, साथ के साथ सारे काम होते रहेंगे। तो इस तरह से करने के बाद आप देखना अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि किस साइज़ की बास्केट की आपको रिक्वायरमेंट है या कितनी जगह में आपको चाहिएगी, उस हिसाब से फिर अपने लिए लोकल मार्केट से आप बास्केट परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर कार्डबोर्ड वगैरह है तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन इन चीज़ों को परचेज़ करना, और चाहें तो दुपट्टों को साथ में रखें, नहीं तो इस तरह से रोल रोल करके भी रख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये करने के बाद मैंने सारे कपड़ों को अलमीरा में अरेंज कर दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कपड़े हमने हैंग किए हैं। तो जो भी कपड़े हमने हैंग किए हैं वो हमारे ओकेजनली वियर वाले हैं, जैसे कि जिनमें वन पीस गाउन हुए, जैसे कि ये इस तरह के जो वन पीस गाउन होते हैं ना, कई बार क्या होता है ऐसी जब ड्रेसेस होती है जो वन पीस होती है, या फिर अनारकली वाले सिंगल वन पीस होते हैं, इस तरह की अनारकलीस होती हैं, तो ये वाले कितने भी फोल्ड करके अगर एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी अरेंज नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इन सब को मैंने हैंग किया है। इसके साथ साथ जो भी पार्टी वियर वगैरह है, ओकेजनली जैसे हम इधर उधर जाते हैं, जो भी ड्रेसेस हम डालते हैं, उन सब को मैंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि इनको भी ये बिल्कुल भी प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा सिंथेटिक कपड़ा इनका रहता है, तो इनको भी मैंने विद दुपट्टा कुछ इस तरह से सबको अरेंज कर दिया है। इससे होगा क्या कि जब भी, एक तो हमारे जो कपड़े हैं ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ अनयूज्ड हमारे रह जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं या फिर जो हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे जब हम इसको क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमने निकाल देने हैं। तो ये वाले सारे मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, विद दुपट्टा लगाए हैं, तो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाएंगी, और एक के ऊपर एक करके रखते तो ये बहुत जगह ले लेते। उसके साथ साथ दो या तीन दिन में ही ये फिर से सारे एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते, बिल्कुल भी अरेंज तो नहीं रहते, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है, आप हैंगर का यूज़ करो जितना हो सके। अगर इसमें आपकी अलमीरा में हैंगर नहीं है तो ये भी ईजिली आप खुद से लगा सकते हैं, हार्डवेयर की शॉप पे जाके एक पाइप को लेके और इस तरह से क्लिप के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। जितने हो सके कपड़ों को सबसे पहले तो हैंग करें जो भी आपके ओकेजनली वियर है, क्योंकि इनको हर रोज़ हम टच नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं इस वाली बास्केट में। तो मैं जो बास्केट में कपड़े रखने का जो आइडिया है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरह से मैं कपड़ों को जैसे आयरन करते हैं ना, कुछ इस तरह से इनको फोल्ड करती हूँ मैं टी शर्ट्स वगैरह को, और जितनी भी मेरी टी शर्ट हैं, जितनी भी जैसे नाइट वियर जो भी मेरे ना, वो सारे इसके अंदर आ गई हैं। तो अगर क्योंकि बास्केट बहुत बड़ी भी थी और चौड़ी भी थी, तो साइड्स में मैंने इस तरह से पैंटों को लगा दिया, और इस तरह से अगर ज़्यादा जैसे पैंटें थी ना, तो साइड में लगा दिया, स्पेस था इसमें, और इस तरह से बीच में भी मैंने टी शर्ट और पैंट सब मिक्स रखा है। तो जो भी पहनना होगा ईजिली हम इसको निकाल के और ईजिली हम इन्हें यूज़ हम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी ख़राब होने का कोई चांस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मुझे लग रहा है। तो आप ज़रूर बताना आपको कैसा। ठीक है,
इस तरह से इस बास्केट में ये होगा, और ये सबसे ऊपर रखिए क्योंकि ये तो हमारे डेली यूज़ होते ही होती है। और इस तरह की बास्केट ईजिली आपको मार्केट में लास्ट 80 to 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये वाला एरिया ऑलमोस्ट मैंने खाली रखा है क्योंकि जब भी ऊपर वाले कपड़े निकालते हैं ना तो थोड़ा सा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी बास्केट्स आप रख सकती हैं जो भी आपको रखनी है, तो मैंने यहाँ पे रखी है लगभग जो डेली यूज़ होता है वो वाला। तो ये वाली बास्केट आप देख सकते हैं, ये बास्केट रखिए, इसमें मेरे सारे स्टॉल वगैरह हैं, जो भी दुपट्टे होते हैं ना कॉटन के, जिनको हम टी शर्ट वगैरह डालते हैं, कभी इधर जाना पड़ जाए तो सडनली हम इनको यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने इसमें सारे अरेंज करके रखे हैं कि एक बार में मिल जाए। इनको भी अगर मैं हैंग करके रखती हूँ ना तो प्रॉब्लम आती है, जब एक निकालते हैं तो सारे निकल जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह से रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने जितने भी अगर दुपट्टा अलग से रखना चाहते हो तो इस तरह से आप भी एक बास्केट के अंदर फोल्ड करके दुपट्टों को इस तरह से रोल करके भी रख सकते हो और इस तरह से भी रख सकते हो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फिर एक छोटी सी बास्केट रखी है जिसमें रखे हैं मैंने कुछ इस तरह से मेरे सारे जो भी पर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो क्यों रखे हैं ये इस तरह से और ऊपर क्यों रखे हैं इसका भी रीज़न बताती हूँ। देखिए ये वाला जो है ना स्लिंग बैग, तो इसको ये वाला जो स्लिंग बैग है इसको मैं डेली ही मतलब यूज़ करती हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो डेली में जो है इतने छोटे छोटे यूज़ होते हैं, कुछ भी काम जब होता है तो डेली में जो यूज़ होता है तो वही है ये वाला। तो इन दो को मैंने यहाँ पर रखा है, जैसे जब भी जाते हैं यूज़ करो फिर वापस से इधर रख दो। अच्छा, ये कुछ क्लचेस रखे हैं इस तरह से, ठीक है। और इनमें कुछ जैसे हमारा आई कार्ड हुआ, कुछ लाइसेंस हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये सब इसमें रखे रहते हैं, और जब भी क्योंकि आजकल ना इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो ये सब यहीं रखे तो ईज़िली इनको ले भी लेते हैं, और जब भी बड़ा पर्स वगैरह यूज़ करते हैं कहीं जाना होता है तो इनमें से कोई भी एक उसमें डाल के हम ईज़िली जा सकते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर का पोर्शन, और इस तरह का कपड़ा आप चाहें तो वो भी बिछा सकते हैं अपनी अलमीरा में, थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन वो जो है लुक आता है। और देखिए स्पेस अभी भी है, आप चाहें तो अपनी ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ आपको लगे। जैसे कि अभी आते आते मेरा भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि फिक्स है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब आते हैं हम नीचे के पोर्शन में, अगेन ये वाला जो पोर्शन है ना इसको भी मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। अगेन इसमें मैंने बास्केट्स का यूज़ किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसमें बास्केट्स लगाई हैं। तो जितनी भी मेरी ड्रेसेस है ना उनको जैसा कि मैंने आपको बताया एक के ऊपर एक करके अगर हम रखते हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं होती हैं। अगर आपके पास हैंगर भी नहीं रखना चाहते ना तो इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं, इससे भी जिस तरह से हम आयरन करते हैं बिल्कुल वैसे ही इन कपड़ों को रखना है और रख सकते हैं। और साइड में क्योंकि बहुत चौड़ी थी तो साइड में आप दुपट्टे भी रख सकते हैं। अगर आपको जो भी आइडिया अच्छा लगे उसी को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन एक बास्केट रखी है जिन भी कपड़ों को हमें यूज़ करना रहता है, जो भी कपड़े हमें यूज़ करने जाते हैं ना ईज़िली हम इनको जैसे ही हम बास्केट उठाएंगे ना तो कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होगा कि हमारा बिना यूज़ किया हुआ रह जाए, या फिर का होता है ना कई बार ऐसा कि एक एक आध ड्रेस तो ऐसी होती है कि हमें याद ही नहीं होता कब हमने यूज़ की थी, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी अगर आप इस तरह से कपड़ों को रखोगे तो। और ऐसा नहीं है कि एक निकालोगे तो सब निकल जाएंगे, ईजिली इनको अरेंज करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब ये नहीं होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप निकालोगे तो बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। तो इस तरह से अरेंज किए हुए कपड़े मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो भी आपके पास कॉटन के पुराने दुपट्टे रह जाते हैं ना उनको आप यहाँ पे बिछा सकते हैं बजाय कोई चीज़ परचेज़ करने की, तो परचेज़ करना चाहते तो भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी बास्केट में मैंने सारे अपने इनर वियर रखे हैं, जिनको भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ढूंढना पड़े या फिर कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कि ये देखिए इस तरह की जब टी शर्ट्स वगैरह लेके आते हैं ना तो इस तरह के पाउचेज आते हैं, मतलब टी शर्ट्स उनमें आती है, तो काफ़ी अच्छे ये रहते हैं। इनको भी कुछ भी आप अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा इनर वियर है या पैडेड कोई चीज़ आप रखना चाहते हैं अपनी, तो उनको इसमें इस तरह से रख के आप हैंग कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम कहीं जाते हैं ना चीज़ें ढूंढनी पड़ती है कि किस टाइम पे ये डालना था तो कहाँ है वो चीज़, तो वो वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन में, अगर आप इस तरह के लाइनर बिछाना चाहते हैं जो कि ईजिली प्लास्टिक के कहीं भी मिल जाते हैं तो आप इन्हें भी
यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है, हर जगह अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। अब देखिए ये तो वो ऊपर जो कपड़े हमने रखे थे ना, ये तो वो हो गए जो पूरे हमारे सूट के साथ पूरा सेट रहता है, विद दुपट्टा सेट रहता है ना। तो कुछ कुर्तीज़ होती है उनको भी आप इसी तरह से अलग से एक बास्केट में फोल्ड करके कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पैंट्स यहाँ पे रखी है, ठीक है, तो ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बस एक ये वाली पैंट है जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक ये जींस है, इसको भी बहुत रेयर, मुझे नहीं अच्छी लगती उतनी। तो इस तरह से आप अपने सारे जो भी कुर्ते वगैरह है ना उनको एक साइड रख सकती हैं। अब बात करते हैं इस वाली बास्केट की, तो इसमें ना जितनी भी एक्स्ट्रा, एक सेकेंड, हाँ, जितनी भी एक्स्ट्रा पैंट होती है ना, जैसे हम प्लाजो वगैरह लेते हैं या लेगिंग्स वगैरह ले लेते हैं या पैंट होती हैं, तो ये वाली सारी मैंने इसमें रखी हैं। तो कोई भी जैसे वन पीस के साथ हमें डालनी पड़ जाती है, कई बार हम कुर्ताज़ के साथ डालते हैं, तो इन सारी को मैंने एक जगह रखा है। एक जगह रखने से क्या होगा, ईजिली हमें मिल जाती हैं, बार बार हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ी सी जगह अपनी अलमीरा में जरूर रखिए, अगर बचा सकते हैं तो, अगर नहीं बचती है तो कोई बात नहीं है, बट इस तरह से मैंने थोड़ी सी जगह बचा रखी है। इससे क्या होगा, जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं, कई बार सपोज करो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फोल्ड करके इस तरह से रख दो, और जब भी आपको टाइम लगे आप उनको ठीक कर सकते हैं। या फिर कुछ कपड़े, जैसे अभी मैं अलमीरा को क्लीन कर रही थी, तो कुछ कपड़ों को मैंने निकाला है जिन्हें कि देना है ना, या फिर जो हमें टाइट हो गए हैं उन्हें हमें ठीक करना है, तो उस तरह के कपड़ों को आप इसमें रख सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं हम लास्ट वाले पोर्शन भी, तो इसमें देखिए पहले मैंने इन सबको यानी कि बेड में रखा हुआ था, यानी कि ड्रॉयर में रखा हुआ था। इससे क्या होता है ना, बहुत बार यूज़ करने में मुझे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने क्या किया, इस तरह से बास्केट ली और सारी ही जितनी भी मेरी जो भी मेरी साड़ीज थी ना, ये देखिए है ना, अब जो मुझे वॉश करनी थी वो मैंने वॉश कर दी, और वॉश करके उनको सारी ही मेरी साड़ीज़ को कुछ इस तरह से रख दिया है। और देखिए कितनी अच्छी ये दिख रही है। अब जब भी मुझे निकालनी होती है फटाक करके निकाल सकते हैं, नहीं तो कई बार रहता है कि नहीं नहीं छोड़ो क्या साड़ी पहनेंगे, सूट में ही चल पड़ते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। अच्छा अब देखिए इसी तरह से मैंने सारे ब्लाउजेस को, जो भी मेरे ब्लाउज थे ना, उन सबको भी इस तरह से रख दिया है, क्योंकि किसी कई बार हम मिक्स एंड मैच करके भी पहन लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी इस बास्केट में रख दिया। और इसी तरह से जो पेटीकोट होते हैं ना, लहंगे होते हैं साड़ी के, उनको भी मैंने फोल्ड करके कुछ इस तरह से एक बास्केट के अंदर, एक के ऊपर एक करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। हो अब बात आती है ये जो पर्स रखे हैं, क्योंकि जब कभी बाहर जाना होता है तभी हमारे ये यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इनको भी कुछ इस तरह से एक साइड रख दिया है, और जब भी जाना हो ईज़िली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट इतना ही कलेक्शन है मेरे पास, तो इन सबको भी मैंने कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है। तो जी यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाला आइडिया जो है ये आपने, आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। अगर पहले से ये सब चीज़ें करते हो तो भी ज़रूर बताना, या फिर कुछ और जो आप करते हो जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो भी मेरे साथ करना, शेयर करना। इसके साथ बच्चों के कपड़ों को, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको अरेंज करके रखना, उन्हें किस तरह से कर सकते हैं ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यही थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।